यूनिवर्सिटी है तब तक सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा जो स्ट्राइक है, मार्च है, वो लेना पड़ता है। और दूसरा बात यह है, हमारा कितना जो मिनिस्टर्स आए और जो एम्प्लॉयमेंट जो है, जब तक इसके बारे में नहीं सोचता है तब तक ये जो टारगेट है टारगेट रीच नहीं होता है। और तीसरा बात जो है, ओ सीएम ने बोला हमारा केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है लेकिन मैथमेटिक्स बहुत लो है। लेकिन मैं ये कहना चाहता है 2019 इलेक्शन में जो है ये माननीय कांशीराम जी ने बहुत सारे बात बोला है, जब तक रिजर्वेशन का 13 पॉइंट कोटा है वो रिजर्वेशन अभी 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 से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसका कुर्सी काले करने का टाइम है। सम अभी इंटेलेक्चुअल को यही विनती करते हैं, ये जो आगे वाला इलेक्शन में उसकी ऐसी तरफ से पार्ट सिखाए तो हम अच्छी तरफ से और रीच होता बोल के इतना ही कहता है। काम करना बहुत ही है लेकिन हमारा यही मुद्दा है, यदि कर्नाटक से तौर से मैं ये विनती करता है अक्रॉस इंडियन आर यूनिवर्सिटी में ये ऐसा मार्च हुए तो सक्सेसफुल हो सकता है बोल के मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे, मैं सभी को प्रणाम करके ये करता है। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।